ओके ठीक है, आवाज़ आ रही है तो फिर कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट बेसिकली है क्या, अगर हम इसको ध्यान से समझें, पार्लियामेंट है क्या चीज़। पार्लियामेंट बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, अगर हम उसकी कंपोजिशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक प्रेसिडेंट। पर हमेशा से ऐसा नहीं था, है ना, हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले इसका नाम कुछ और था, पहले काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता था। 1954 में इस चीज़ में बदलाव लाया गया था। सो अगर मैं पार्लियामेंट की वैसे बात करूं कि पार्लियामेंट को अगर आप सेंट्रली डेमोक्रेटिकली देखें, तो मैंने पहले ही बताया था वेस्टमिंस्टर मॉडल के ऊपर है। और आपने आर्टिकल याद रखना है कि कौन से में दे रखा है पार्लियामेंट के बारे में, मेनली पार्ट 5 में दे रखा है, जो संविधान का आपका 5वां पार्ट है, उसमें पार्लियामेंट के बारे में डाटा गिवन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट आपने अपने आप में याद रखना है, वो याद रखना है कि पहले राज्यसभा को क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और हाउस ऑफ पीपल किसका नाम था, हाउस ऑफ पीपल था लोकसभा का नाम। तो राज्यसभा का ये नाम है, लोकसभा का ये नाम है, पहला नाम पुराना, ये 1954 में चेंज किया गया, उससे पहले तक इनका यही नाम हुआ करता था। जैसे कि कई जगह पर आपका इसको अपर हाउस कहते हैं, कई जगह पर लोअर हाउस कहते हैं। लोअर हाउस कौन सा है आपका, लोकसभा, अपर हाउस कौन सा है आपका, राज्यसभा। तो अपर हाउस आए, लोअर हाउस आए, हाउस ऑफ काउंसिल की, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें, हाउस ऑफ पीपल की बात करें, तो वो थोड़ा सा आपने याद रखना है कि बात चल क्या रही होगी। अब देखो, कई जगह पर ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट साहब तो ना लोकसभा के मेंबर है ना राज्यसभा के मेंबर है, तब भी उनको क्यों रखा गया है इन तीन में, क्योंकि जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट को बनाते टाइम हम क्या चीज़ देखते हैं, हम तीन चीज़ देखते हैं कि भैया पार्लियामेंट को पूरा करने के लिए आपके पास तीन लोग होने चाहिए। कौन कौन तीन लोग होने चाहिए, एक आपके पास लोकसभा होनी चाहिए, ठीक है, एक आपके पास राज्यसभा होनी चाहिए, प्लस एक आपके पास प्रेसिडेंट साहब होने चाहिए। तब जाके आपका क्या बनता है, तब जाके आपके ये तीनों मेंबर पूरे होते हैं, है ना। तो ये सिनेरियो है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये बन गई हमारी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट इसलिए रखा गया है, समझने की बात ये है कि अगर मान लीजिए लोकसभा से कोई बिल पास हुआ जिसमें सिर्फ लोकसभा की इजाजत चाहिए थी, यानी अनुमति सिर्फ लोकसभा की चाहिए, लोकसभा की मेजोरिटी से वो पास हो सकता है, कोई ऐसा बिल है सिर्फ, है ना, तो वो प्रेसिडेंट के पास गया, उन्होंने साइन करा, वो बन गया। अगर हम मोस्टली को देखें तो क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होते हैं बिल, फिर दोनों की अनुमति ली जाती है, फिर उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जब वो उस पर साइन करते हैं, तब वो कानून एक्चुअल में कानून माना जाता है। कि जो भारत के फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, सबसे मोस्ट पावरफुल डेजिग्नेटेड व्यक्ति है, जब वो उस पर हामी भर देते हैं, क्योंकि हम सारे काम किसके नाम पे करते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं, है ना, जैसे पहले राजा के नाम पर कहा जाता था, ऐसे ही इनके नाम पर कहा जाता है, ठीक है। और हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि वो और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि लोकसभा को खत्म कर देना, डिसॉल्व द लोकसभा, वो डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा को, ठीक है, वो समन करते हैं, वो समन करते हैं, है ना, ही कैन समन, बुला सकते हैं वो, ठीक है, मीटिंग बुला सकते हैं, है ना, जो दोनों हाउसेस को क्लब करके आपका मीटिंग होती है उसको आपका एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी बात जो शुरुआत में रखते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि वो जो अभी प्रेजेंट की सरकार है उसके किए गए कामों को भी गिनवाते हैं, वो लिख के देते हैं उनको, है ना। और आपने आर्टिकल 123 का आपको याद होगा, वो ऑर्डिनेंस इशू करने की भी क्षमता कर रखते हैं। तो पार्लियामेंट का जो काम है, अगर वो सेशन में नहीं है तो कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 123। सो दैट्स इज पावर, तो इतने ताकतवर हैं, ठीक है। अब अगर हम इसे थोड़ा सा आगे चलें, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और इससे ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है, एक तो क्राउन हो गया यानी किंग या क्वीन होंगे, फिर वहां पर होता है अपर हाउस जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, ऐसे ही लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन। तो ये बातें आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पर कहीं पर आपका लिखा हुआ होगा, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, है ना, क्योंकि दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा। देखो यहाँ कहीं होगा,
देखो, अगर हम बात करें ब्रिटेन की पार्लियामेंट की, देखो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की अगर बात करें तो वहां पर जो क्राउन है, ठीक है, ये इस तरीके का सिनेरियो है कि जो किंग होगा क्वीन होगा, एक तो वो हो गए, ठीक है, उनके नाम पे सब कुछ चलता है वहां पर, जैसे हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर चलता है। फिर अपर हाउस को वहां पर कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोअर हाउस को वहां पर कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस अपर हाउस, ऐसे वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। ये हो गए आपकी ब्रिटेन की बात, यूके की बात। अब अगर हम बात करें आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट के केस में, तो वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का, ठीक है, समझ रहे हो। और वहां पर अगर हम बात करें तो वहां अपर हाउस को बोलते हैं सेनेट और लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये नाम आ रहे हैं तो हम बात कहाँ की कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये नाम आ रहे हैं तो हम बात कहाँ की कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन में है क्राउन, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है ना, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। किसी का कोई डाउट है इसमें, किसी को कुछ पूछना है? और देखो, रिकॉर्डिंग अभी भी नहीं मिल पा रही हो, पता नहीं एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है, मैंने कॉल वगैरह भी करी थी, सो दे डिडंट पिक, सो अभी इसको उसका कुछ नहीं कर सकते, मैं दूसरा तरीका देखूंगा उसको कुछ करने का, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है व्हाट सो एवर। मैं भी ऑडिबल हूँ आप लोग को? जी सर, तो कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको एक बार माइंड में क्लियर कर लेते हैं। देखो, डिलिमिटेशन कमीशन बार बार आई है। डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब ये है कि सीटों की संख्या कितनी होगी राज्यसभा में या लोकसभा में, वो उसके तहत बताया जाता है, और 1971 से यही चला आ रहा है अभी तक, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा की, वो हो सकती है 250, हाईएस्ट, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, वर्तमान के सिनेरियो में 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर उस 250 को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो 250 कैसे ब्रेक होता है, वो 250 को मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ। मान लो आपको 250 ब्रेक करना है, तो 250 ब्रेक करने में आपका सिनेरियो ये है कि 238 तो वो हैं जिनको आपका इलेक्ट करा जाएगा विद द हेल्प ऑफ एमएलएस, यानी एमएलए उनको इलेक्ट कर रहे होंगे जहाँ पे भी वो खड़े हैं या जहाँ के लिए भी उनको वोटिंग दी जा रही है। मान लो उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से 3 राज्यसभा में जाने वाले लोग बाग होते हैं, यहाँ के चुने गए एमएलए ही उनको चुनते हैं, ठीक है, और 12 उसमें नॉमिनेटेड होते हैं जिनको प्रेसिडेंट चुनते हैं। इनका सीनेरियो क्या है, यानी प्रेसिडेंट के कि प्रेसिडेंट नहीं होता है। यार देखो, ये ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अपने आप में बहुत ही कमाल के होते हैं, यानी कि वो 12 लोग अलग अलग फील्ड के महारथी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाल फिलहाल में आपका जो रंजन गोगोई थे, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको चुना गया था बिकॉज लॉ के बारे में उनसे अच्छी जानकारी टाइम ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम शायद ही किसी को हो, है ना, लेवल की जाकर उस लेवल का पूरा चीजों को देखना समझना है, दैट्स द थिंग। अब यहाँ आप दूसरी इनकी एक वो समझते हैं दूसरी कंपोजिशन कैसे होती है। राज्यसभा की अगर मैं बात करूँ तो 45 यहाँ पे जो मेंबर हैं आपके एट प्रेजेंट हैं, यानी वर्तमान में 245, वर्तमान पूछा जाए तो 245, मैक्सिमम पूछा जाए तो 250, ठीक है, ये तो का मैक्सिमम। अब इनमें से इसको डाउन करें तो वो देखते हैं, 245 में से हमने 12 तो सबसे पहले रख लिए, 12 तो आपके मन से हो गए, आप सिलेक्ट करने वाले हैं, और इससे आपके 12 ये वाले हो गए, ठीक है, बाकी बचे आपके राज्य यानी स्टेट मिले, फिर आपके यूनिट, सर आपकी आवाज ठीक है। क्लियर नहीं आ रही।
ठीक है, यहाँ पर नॉमिनेटेड तो नॉमिनेटेड स्टेट के हो गए और दैट्स हाउ प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है, राज्यसभा के केस में। तो ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठनी पड़ेंगी कि राज्यसभा की जो ब्रेकडाउन है वो किस तरीके से होता है, लोकसभा का ब्रेकडाउन है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। अभी पर तो हमने कर लिया राज्यसभा ब्रेकडाउन, अब करें तो कैसे है ना, ये देखने वाला सिनेरियो है कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसमें, है ना। और इससे हम कनेक्ट करने के इशू को भी जिनके बारे में हमने पढ़ना, देखो राज्यसभा में क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑलरेडी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वही लोग इनको होते हैं, यानी कि जो राज्य के एमएलए लोग हैं, मान लीजिए राज्य है, तो वो एमएलए किसी एक व्यक्ति को अपने ऊपर एमपी चुनेंगे, यानी कि पहले से डिसाइड होता है कि किसको बनाना है, सिंपल सी ये बात है। जिनके पास ज्यादा संख्या होगी वो लोग अपना बंदा बनवा लेते हैं वहां पर, है ना। तो ये सिंपल सा बात है, जिसके एमएलए ज्यादा होंगे एक सर्टेन रेशियो बैठता है, उस रेशियो के हिसाब से वो लोग अपना चुन लेते हैं, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो पर्सनल रिप्रेजेंटेशन जो प्रेसिडेंट के केस में चलता था, ए बी सी डी वाला, कि ए को फर्स्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी, ठीक है, और आपका सीट एलोकेशन हो जाती है राज्यसभा में, आपका पॉपुलेशन के आधार पर कितनी पॉपुलेशन किस राज्य की है तो उसके हिसाब से आपकी रिप्रेजेंटेशन चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी हो, यूपी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 31 है, हाईएस्ट है ये, 31 इज द मैक्सिमम। वो यूपी के, यूपी की क्यों है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उनके पास पहले से ही एमएलए की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा एमएलए की संख्या होगी उतनी ज्यादा आपके राज्यसभा मेंबर है ना होगी, क्योंकि उनके शुरुआत से ही वो वोट शेयरिंग में बहुत ज्यादा थे, पहले से ही जनसंख्या वहाँ पर बहुत ज्यादा ही फ्लरिश का है, बिकॉज वहाँ पर चीजें सपोर्ट करती हैं, लाइफ मैकेनिज्म को सपोर्ट करती है, हर वहाँ लोग पढ़े लिखे भी कम है तो बुरी तरीके से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिहार में भी यही हो रहा है, जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो हद से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के अब जो सीएम वगैरह उनको ये बोलना पड़ रहा है कि अगर आप अपनी जनसंख्या को नहीं रोकेंगे या आप चलेंगे तो आपको जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा, यानी अच्छी सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। तो आप समझिए इस चीज की इतनी ज्यादा मतलब गहराई है कि हर चीज में इम्पैक्ट आ रहा है, बट लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर आपका इसे आपको याद रखना है, पूरा ही वही एग्जाम ठीक है। सो ये तो हो गई भारत की बात, यूएस में कैसा होता है, ठीक है, वहाँ ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है, उनका ऐसा तरीका है जितने राज्य हैं, ठीक है, जिसका मैं एक बुलावा बंद कर लो, जितने राज्य हैं उसके साथ वहाँ पर बढ़ती हैं चीज़ें, यानी कि जैसे वहाँ पर 50 राज्य हैं, तो अगर उसी की बात करूं तो यूएसए में देख लेते हैं, यूएसए में वहाँ है 50 स्टेट है, 100 मेंबर हो जाएंगे किसी को दो स्टेट, ऐसे किसी का भी अगर माइक ओपन है तो फिर से बंद कर लीजिए, अदरवाइज मुझे म्यूट करना पड़ेगा। कैसा रिप्रेजेंटेशन रहता है भाई, देखो सेम सिनेरियो है, कोई फर्क नहीं है, जैसा राज्य का होता है वैसे ही आपके नशा का भी होता है। सो ऐसा कोई फर्क नहीं है,
उसके बाद अगर बात करें आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो वो सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ भी होता है, लेकिन कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरी है जो राज्यसभा के इलेक्शन भाग लेते हैं, केवल दो ही, ठीक है? अब तो ये तीसरा भी हो जाएगा, नया आया है, जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, ठीक है? पहले दो ही हुआ करते थे, दिल्ली एंड, करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर बात करूँ तो कश्मीर है, अदरवाइज ये कुछ टाइम की बात है कि स्टेट देंगे कुछ टाइम के बाद। तो एट प्रेजेंट के लिए पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीन टेरिटरी हैं राज्यसभा के इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, हो सकता है भविष्य में मनन भी कर ले, आई एम नॉट श्योर, ठीक है? कैपेबिलिटी उसकी उतनी बन गई तो आप के मेंबर्स की बात करें, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें, ऑलरेडी कह चुका हूँ कि राज्यसभा में कुल 12 मेंबर जाते हैं। 12 मेंबर ऐसे लोग जिनको स्पेशल अपनी फील्ड में, चाहे वो आर्ट की हो, चाहे लिटरेचर की हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल, सिंपल एज दैट। जो हिसाब है उस हिसाब से इसको कवर कीजिएगा, पॉसिबल? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम की बात करते हैं सबसे पहले। मैक्सिमम हो सकता है 552, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसी में अगर मैं बात करूँ कि आपका कितना कितना किसको मिलेगा, तो इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो 530 दे दो आप राज्यों को, यानी स्टेट्स को 530 दो स्टेट्स को। उसके बाद जो बाकी बचा 20 है वो दे दो अभी आपका यूनियन टेरिटरी को, यूटी को, और बाकी बचे जो दो हैं वो दे दो एंग्लो इंडियन को, ठीक है? एंग्लो इंडियन, ठीक है? अभी एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनमें से कि एक व्यक्ति विदेश से बिलोंग करता हो और एक भारतीय हो। एंग्लो यानी कि बाहरी, इंडियन यानी कि आपका इंडिया का। सो दोनों के मिक्सचर से पैदा हुआ जो बच्चा है उसको एंग्लो इंडियन चाइल्ड बोलते हैं। जिस टाइम पर अंग्रेज हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुके थे, तो यहाँ की महिलाओं से उन्होंने खूब शादी करी, जो आपके वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह, जो काम करने वाले सिपाही वगैरह थे, वो यहीं रहे सालों साल, तो उन्होंने यही की महिलाओं से शादी कर ली थी, तो उनके जो बच्चे थे उनको एंग्लो इंडियन। आवाज आ रही है मेरी? भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, यहाँ 2-3 बार लाइट आ जा चुकी है, तो कंटिन्यूसली डिस्कनेक्ट। किसी का अगर अभी भी माइक ओपन है तो अपना माइक करना, ठीक है? बिकॉज पे कॉल, ये समझाने में, ठीक है? सो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की अगर मैं बात करूँ, लोकसभा की कंपोजिशन का सिंपल सा फंडा ये है, नंबर हो गई, यानी कि आपके कुल उसमें से 530 स्टेट वाले अभी भी हैं, स्टेट्स के ही हैं, ठीक है? वो कहीं नहीं गए, 530 स्टेट के ही हैं, लेकिन 13 मेंबर जो हैं वो यूटी को दे दिए गए हैं, जो हैं वो एंग्लो इंडियन को दे दिए गए हैं, यानी कि वही सेम सिनेरियो है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ पर है? यूनियन टेरिटरी के केस में आपको 7 कम कर देने हैं पिछले वाला जो चार्ट बनाया था उसमें से, एज सिंपल एज दैट। अब ये तो हो गई बात इसकी, अब बात करते हैं लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहाँ
आपका लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है स्टेट में लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है। आपने देखा, आपने खुद भी भाग लिया होगा, जो 18 से ऊपर के लोग हैं उन लोगों ने डायरेक्टली भाग लिया है ना। तो अबव 18 का क्या है कि अबव 18 के जो लोग हैं वो डायरेक्टली आपका भाग लेते हैं लोकसभा इलेक्शन में, आवाज और बिल्कुल आपने भी की खुद भी मोदी जी के नाम पर वोट किया होगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है हमारा 18+ के केस में। ठीक है, ठीक है कि लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है 18 से ऊपर के लोग को यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इलेक्शन जो है इस बेस पे आपका चलता है ना। सो हमें ये समझना जरूरी है कि आपका 18 वाले लोग जो सीधा जाके देते हैं ना हर 5 साल में, तो वो लोकसभा के लिए होता है, राज्यसभा के लिए ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है, ये पहले 18 नहीं था, ये 18 किया गया। कब किया गया? 19 के आसपास आपका, जिस टाइम पे आई गेस राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी की सरकार ने 21 से 18 कर दिया था इसको। और उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन, हम बात करें इलेक्शन कमीशन, आपकी जो बॉडी थी उसको इंक्रीज करना पड़ गया था। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर 3 हैं चीफ, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो यानी कि आपका जो इलेक्शन ऑफ इंडिया है वो 3 बंदों की बॉडी है, एट प्रेजेंट है 3 बंदों की बॉडी, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर। और ऐसा नहीं था उस टाइम पर, ऐसा नहीं था उस टाइम पर, बढ़ानी पड़ गई थी। यानी ये बॉडी जो बनी थी ना, ये इंक्रीमेंट जो हुआ था 3 बंदों की बॉडी, उसकी वजह से ही करना पड़ गया था। बिकॉज एकदम से आपके बहुत सारे लोग किसमें आ गए थे, आपका वोटिंग के अंदर आ गए थे, तो इतना सारा काम संभालने के लिए इलेक्शन कमीशन में इंक्रीमेंट करा गया कि आपका जो हेड को बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज काम ज्यादा आ चुका है। 3 साल में इतने सारे लोग एकदम से, पहले 21 से 21 थी, फिर 18 कर दी गई है ना। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये पूछा जाता है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काम करा गया था इस वाले से, है ना। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। चलिए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरेटरी। जैसे राज्यसभा में पढ़ा था, यहाँ पर भी है। रिप्रेजेंटेशन कब दी गई यूनियन टेरेटरी को? आपका 65 में दी गई। तो यहाँ पर क्या होता है, सीट्स एलोकेट करी जाती हैं यूनियन टेरिटरी को उनके प्रेजेंट, उनके वोटिंग के हिसाब से कितने वहाँ पर लोग रहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पर भी होते हैं, जो ऐसा कोई ज्यादा सीन नहीं है। टोटल 13 सीटें हैं, ठीक है। और 13 में से मैक्सिमम कहाँ पर है? दिल्ली में है। कितनी है? 7 सीटें हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल जी का आजकल बयान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। तो चल रहा है वो वाला बयान है कि हम सारी की सारी सीट, अगर हमें पता हो कांग्रेस जीतेगी बीजेपी को हरा देगी, तो हम उनको दे देंगे। ठीक है, तो 7 सीटें मैक्सिमम कहाँ पर हैं? दिल्ली में है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से है। अब बात करते हैं नॉमिनेट मेंबर्स की, नॉमिनेट मेंबर्स का क्या हिसाब किताब है, और ये चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, जो लोकसभा में सीट्स का जो भी सिनेरियो है बदल सकता है। कब बदलेगा ये आप देखते हैं, जल्दी 2026 में चीज़ बदलने वाली है। ठीक है, अभी बात करते हैं नॉमिनेट मेंबर। एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट मेंबर का सिनेरियो है, ये सिनेरियो ही खत्म हो गया, ये खत्म हो चुका है ऑलरेडी। हर बार 10 साल का एक्सटेंशन मिलता था इसको, 10 साल 10 साल का एक्सटेंशन, 10 साल एक्सटेंशन मिलता रहा था। अब वो एक्सटेंशन खत्म कर दिया गया है, यानी वो हटा वहां से, उसको रिमूव कर दिया गया है। समझ रहे हैं बात को? तो सिनेरियो क्या हो गया है कि वो वहां से हट गया है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा राज्यसभा और लोकसभा का हिसाब किताब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं, हमारे पास और क्या है अभी समझने के लिए। ओके, ये पिछले पेज का ही है। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा में इलेक्शन का सिस्टम क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो, भारत में क्या करा गया है, डायरेक्ट इलेक्शन जब कराए जाते हैं लोकसभा के, हर स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। किसमें डिवाइड करा जाता है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हर राज्य में आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं। ठीक है,
तो हर राज्य को क्या मिल गई, कुछ नंबर ऑफ सीट्स दी जाती हैं। किसके हिसाब से दी जाती हैं, कि रेशो कितना बनेगा यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से और नंबर के हिसाब से, कि जो सीट एलोकेट करी गई है ना इस राज्य को, ठीक है, वो उतनी ही रहेंगी, पॉपुलेशन से फर्क नहीं उस केस में आने वाला, जब तक वो चीज आपकी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतनी सीट एलोकेट करी गई है पार्लियामेंट के द्वारा कि जी इतनी सीट एलोकेट होनी चाहिए थी इस राज्य को, अब उसमें जो रेशियो है ना वो सेम रहना चाहिए, जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट एलोकेशन का जो रेशियो बन के आएगा ना कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से वो सेम आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, उसको इस तरीके से मैनेज करा जाता है कि चीज सेम आ जाए, ठीक है, ताकि गलत ना हो कहीं पर भी। अब यहाँ पे क्या है कि ये चीज 6 मिलियन से नीचे वाले पे अप्लाई नहीं होती, 6 मिलियन से नीचे वाले पे अप्लाई नहीं होती, वो जायज बात है, क्यों करनी है अप्लाई। अब यहाँ समझने की बात है कि पॉपुलेशन के रेशियो का मैटर है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि किसी भी राज्य के साथ गलत नहीं होता है। और फिर डिलिमिटेशन कमीशन तो आता ही है हर बार कि वो चीज़ों को और अच्छे से चीज़ों को रेक्टिफाई कर सके, है ना, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन का ही सारा सारा फेल हो जाएगा, बिल्कुल एक तरफा चलेगी चीज़ें, है ना। तो करते क्या है, आपका सेंसस को आपका देखा जाता है हर बार, फिर उसके हिसाब से सीटें दी जाती हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है। और अगर हम जैसे बात करें अपने यहाँ पर, तो रिप्रेजेंटेशन में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं हरिद्वार की बात ले लूँ, हरिद्वार में भी जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंडर अगर मैं बात करूँ, एक सिंगल इलाका आएगा आपके, ठीक है, जैसे हरिद्वार की सीट है, फिर वहाँ पर एक एमएलए होगा, ओवरऑल अगर आप हरिद्वार के उसको ले लोगे, रीजन को ले लोगे, तो वहाँ पर 11 सीटें आती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ एमएलए की। सो ये तो हो गया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्वाभाविक सी बात है, होना भी जरूरी है। अब इसमें आता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, हर सेंसस के बाद इसको रीएडजस्ट करा जाता है ना, तो वो क्या सिनेरियो है उसको देखते हैं एक बारी, ठीक है, चलिए। प्लीज, आपका देश में सेंसस तो चलता ही है ना, सेंसस तो होता ही है ना, तो सेंसस के बाद ये देखा जाता है क्या सिटी बढ़ाने की जरूरत है एज पर द पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, ये चेक करा जाता है हर बार, जो लोकसभा है क्या वहाँ पर सीट एलोकेट करने की जरूरत है, ठीक है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवीजन करने की जरूरत है, उसको बांटने की आवश्यकता है क्या, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है वो समय समय पर लेके आए हैं, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस जिस राज्य में जिस तरीके से बढ़ रही है, उस हिसाब से उसको बांट के और वहां पर उतनी सीटें दे दी जाए। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, पहले लिमिटेशन आया 1952, फिर 62, फिर 1972, ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 वाला, उसने सीटों को कर दिया था फ्रोज, यानी उसने कहा कि अब और सीटें इंक्रीमेंट नहीं होंगी, जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, ठीक है, ठीक है। और जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हमने डिवीजन करा है, जो हमने डिवीजन कर दिया है, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कब तक, सन 2000 तक ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद इसको 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 से और 25 साल के लिए इंक्रीमेंट करा गया, यानी और 25 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि अब कब तक सीटें इंक्रीज नहीं हो सकती, 2026 तक, तो 2026 में सीटें हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। और उसी को देखते हुए ये जो पार्लियामेंट आपका बन रहा है इस टाइम पर, जो सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट है, वो इसी चीज को देखते हुए बन रहा है कि ये जो 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से लिमिट करा गया था मेजर्स को, वो ब्रोक डाउन होने वाला है और नई आपकी सीटें एलोकेट होंगी एज पर द रिक्वायरमेंट, और उतनी ही पॉपुलेशन को बिठाना भी पड़ेगा। अगर उतनी पॉपुलेशन को वहां पर बिठाना पड़ेगा हमको, तो उतनी जगह भी चाहिए, इसलिए सेंट्रल विस्तार की जरूरत पड़ रही है एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो हो गया आपका रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है, कि हर सेंसस के बाद ये देखा जाता है कि क्या देश में एज पर द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रतिनिधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है कि नहीं है। हाँ आवश्यकता है, तो इसीलिए अब 2026 में हमारे देश में एमपी की संख्या बढ़ने वाली है, ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगी कि कितनी एमपी की संख्या हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी एसटी, अभी किसी को कुछ पूछना है,
आवाज आ रही है मेरी? नहीं, अब वॉइस तो आ क्लियर है? रही है, क्लियर पहले नहीं आ ओके, क्लियर है ना अभी आवाज? रही थी। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एस सी एंड एस टी की बात करेंगे। अब देखो यार, ये क्या है, यहाँ पर रिजर्वेशन कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ये रिजर्वेशन का सिनेरियो समझते हैं क्या है। देखो, जिस टाइम पर संविधान बनाया गया था, तो उस टाइम पर संविधान ने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजों ने रखी थी उसको गायब कर दिया था, यानी हटा दिया वहां से कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी जगह पर, जिसलिए गांधी जी ने, आपका याद होगा, पूना पैक्ट भी करा था बी आर अम्बेडकर जी के साथ, तो उसकी जगह पर हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को लोकसभा में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियोज, कि कितना उनका पॉपुलेशन है उसके रेशियो के हिसाब से हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत में संविधान में ये था कि आप इसमें अमेंडमेंट करके बढ़ा सकते हैं, यानी 10 साल रखी गई थी। ओरिजिनली जो रिजर्वेशन था, जो दिया गया था, वो ये था कि 1960 तक ही दिया गया है रिजर्वेशन। इनिशियली 1960 तक रिजर्वेशन दिया गया था, यानी 10 साल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हर बार संविधान में चेंज करा जाता है और 10 साल के लिए और एक्सटेंड करा जाता है। किस चीज को? रिजर्वेशन को। इसके अंदर आपके लोकसभा के, मतलब आपका ओवरऑल अगर आप देखो, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीमेंट करा जाता है। मेनली लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको इंक्रीज करा जाता है हर बार। और लास्ट टाइम जब करा गया था तो वो 95th अमेंडमेंट था। ठीक है, और वो आपका 95th अमेंडमेंट चला था कब तक? 2020 तक, कि 2020 तक ये ऐसे चलेगा। तो यानी कितने साल हो गए, ये 50 से लेकर भी 70 साल से रिजर्वेशन लगातार दिया जा रहा है। अब उसके बाद अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने करा, उस इसके बाद, यानी अभी 2020 में ही, जैसे ये खत्म हुआ 2020 में, फिर से क्या करा 2020 में? फिर से 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया रिजर्वेशन को। 2030 तक अब रिजर्वेशन एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। एस सी एस टी को उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और उसी उसी आपका अमेंडमेंट में एंग्लो इंडियन वाला जो सीनेरियो था वो खत्म कर दिया उन्होंने। इनको एक्सटेंशन नहीं दिया क्योंकि अब जरूरत महसूस नहीं हो रही है इस चीज की। ठीक है, तो इसलिए वहां पर वो आपका फिक्स सीट नहीं करी। इनके केस में फिक्स है सीनेरियो, एस सी एस टी के केस में। ठीक है, अभी क्लियर है बात ये इतनी? भैया सामान्य क्षेत्र से चुनाव वगैरह कहीं और से भी लड़ सकते हैं, तो मतलब किया जो आरक्षित है वहीं से लड़ेंगे, अपनी सीट से ही है। कोई बंदा है जी, भैया वहीं से करना अगर पड़ेगा। नहीं, वहीं से करना पड़ेगा आपको। आप जा सकते हो लड़ने के लिए, मान लीजिए आप यहाँ के निवासी हो लेकिन आपको लगता है कि मैं वहां से जाके जीत सकता हूँ, तो जाइए वहां पर जाके लड़ लीजिए। लेकिन आपका ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से आप एस सी एस टी कैटेगरी माने चाहिए, तभी जाके लड़ पाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ से, आपको याद होगा, जो एमपी बने थे वो टमटा थे, एस सी कम्युनिटी से जी, बिलोंग बिल्कुल करते थे, बिल्कुल है गए थे ना? वहां तो भी अगर सीट, एस सी या एस टी एरिया में आ गई, यानी उसको आपने कंसिडर करवा दिया कि ये उसके हिसाब से है, तो आपका उसका फिर और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वहां पर वो सीट अगर है तो है, ठीक है, उसको वही लोग लड़ सकते हैं और किसी को मिलेगी ही नहीं, और किसी का कोई सिनेरियो ही नहीं है वहां पे, क्योंकि देखो फिक्स कर दिया ना सीट, तो इतनी देनी देनी है, चाहे कोई हो चाहे ना हो, मतलब खड़ा करना ही पड़ेगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था पंचायत इलेक्शन में क्या हाल हो गया था। पंचायत इलेक्शन में ये रूलिंग लगा रखी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का चुनाव था वो, जिसमें आपको महिला को चुनना था, पंचायत में भी हेड थी वो सबसे ऊपर, कि उनको चुनना ही चुनना था। और उसमें ये सिनेरियो था कि वो एस सी कम्युनिटी से आनी चाहिए और महिला भी होनी चाहिए, दोनों चीजें लग रही थी वहां पर। तो लोगों ने क्या करा, एक महिला को बिठा दिया जिनको कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं, मतलब वो बिल्कुल इलिटरेट है, उन्हें अंगूठा लगाना आता है बस। किसी ने उसकी शक्ल भी नहीं देख रही थी क्योंकि वो पल्लू में थी पूरी ऊपर से नीचे तक। लेकिन अब मजबूरी ये बन गई थी कि सीट उन्हीं को एलोकेट होनी थी और किसी ना किसी को तो बैठाना ही था। अब राज कौन करने वाला है उनकी जगह, जिन्होंने उनको बैठाया है, पैसे लगाए हैं, इलेक्शन लड़वाया है, जितवाया है, वो सब ही मैनेज करने वाले हैं। सो ये सीनेरियो चल रहा है। ठीक है, और देखो आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपके आप अपने हिसाब से सोचना। ठीक है, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। आपको ये सोचना है कि अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है एस सी एस टी के केस में, आपका संविधान के द्वारा हर बार 10 साल बाद एक्सटेंड करा जाता है, क्या भविष्य में उसकी जरूरत है, और तत्कालीन अभी क्या जो प्रेजेंट स्टेट है उसकी रिजर्वेशन की, उससे क्या फायदे क्या नुकसान हो रहे हैं, उस पर आपको जवाब देना है विदाउट किसी बायस, बिना बायस होकर आपको बताना है सही या गलत। बस उसके पॉइंटर आप अपने दिमाग में इकट्ठे कर लो कि उसकी वजह से फायदा क्या हो रहा है, उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, और ज्यादा फायदे वाले की साइड रहना, नुकसान की साइड कम रहना।
ठीक है, हमेशा क्या करना है आपको, पॉजिटिव साइड ज़्यादा रहना है, नेगेटिव साइड थोड़ा कम रहना है, और बाद में अपनी तरफ से कंक्लूजन उसमें क्या कर सकते हैं वो ऐड कर देना है। यही काम आंसर राइटिंग में भी करना है, यही काम इंटरव्यू में भी करना है। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं अडॉप्ट करी गई, कहाँ पर, लोकसभा में। यार अगर लोकसभा में आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करो जो राज्यसभा में लगती थी, ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आम नागरिक के लिए समझने के लिए कि जो जानता नहीं है कुछ भी वो कैसे समझेगा उस बात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है भारत में, और इतने ज़्यादा अगर इलिटरेट लोग हैं तो वो अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते फिर सही से। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। दूसरी बात है वो हाईली एक्सपेंसिव हो जाती, ऑर्गेनाइजेशन करना उसका बहुत मुश्किल था। ठीक है, वोटर के और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता था वो एलिमिनेट हो गया, वो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, सो उसकी वजह से ये वाला काम लोकसभा में नहीं रखा गया, और ठीक ही हुआ जो नहीं रखा गया। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं इनकी, ड्यूरेशन का क्या सिनेरियो होता है। देखो राज्यसभा की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है भाई, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते आप, ये बात दिमाग में बैठा लेना जैसे भी आप बैठा सको। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, यानी कभी खत्म नहीं होता है, परमानेंट हाउस है, चलता ही रहता है। तो डिसोल्यूशन कभी होता ही नहीं है, ख़त्म कभी होता ही नहीं है। क्यों ख़त्म कभी नहीं होता है, क्योंकि एक तिहाई लोग हर 2 साल बाद आ जाते हैं। कितने लोग? एक तिहाई लोग हर 2 साल के बाद आ जाते हैं। ठीक है, अगर एक तिहाई लोग हर 2 साल के बाद आ जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं ना, प्रेस इलेक्शन होते रहते हैं, तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं हाउस, वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, इसलिए इस हाउस की अगर आप ड्यूरेशन की बात करोगे तो कोई ड्यूरेशन नहीं है, ये आपका लगातार चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये है। हाँ, जो यहाँ पर मेंबर चुना जाता है उसका अगर आपसे पूछें तो आप तब आंसर कर दोगे कि जी जो मेंबर चुना जाता है उसकी अवधि 6 साल की होती है। जो मेंबर चुना जाता है वो कितने साल तक रहेगा मेंबर? 6 साल के लिए रहेगा। ठीक है, जी चलिए, कितना क्लियर है बात? सर, राज्यसभा को सर भंग करने का अधिकार भी है राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति को? नहीं जी, किसी का नहीं है, ये भंग नहीं हो सकती। आप क्या कहोगे उन लोगों को जिन लोगों को आपने 6 साल के लिए चुन लिया है? ठीक है कि नहीं, अब हो गया बस तुम्हारा? वो कहेगा जी मुझे तो लोगों ने चुना है, मैं तो लोगों की तरफ चुन के आया, मुझे कैसे हटा दोगे आप? ठीक है, तो आप नहीं उस केस में वो कर पाओगे, राज्यसभा भंग ही नहीं होती, कर ही नहीं सकते, कोई प्रोसीजर ही नहीं है राज्यसभा के भंग होने का, कहीं दिया हुआ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो वो परमानेंट हाउस है, वो परमानेंट ही रहेगा। ठीक है, बनाया ऐसा गया है उसको। ठीक है, शुरुआत ओके सर। वाली में हुआ था लॉटरी बेस पे। अब वापस आ जाते हैं आपका, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की ड्यूरेशन आपको अच्छे से पता है कि भैया ये जो है ये कंटिन्यू चैम्बर नहीं है, ये लगातार नहीं चलता है, 5 साल के लिए चुना जाता है, कई बार 5 साल से पहले भी धराशायी कर देते हैं इसको नेता गठजोड़ करके। तो लोकसभा जो चलती है वो 5 साल के लिए चलती है, 5 साल के बाद ये डिसॉल्व हो जाती है, प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ये हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पावर पास पावर होती है कि वो उसको डिसॉल्व कर देते हैं, यानी कि इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीशन से पहले भी खत्म हो सकती है। कब खत्म हो सकती है? अगर सरकार बहुमत खो दे तो, ठीक है, या और कोई कारण हो जाए तो। ठीक है, और एक्सटेंड कब हो सकती है 5 साल से ज्यादा? जब इमरजेंसी लग जाए तो। कितना एक्सटेंड हो सकती है? एक बारी में 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। तो लोकसभा 5 साल से पहले भी खत्म हो सकती है, 5 साल से ज्यादा भी चल सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। बहुमत खो दी 5 साल से पहले खत्म, इमरजेंसी लग गई 5 साल से ज्यादा चलेगी। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से इतनी अभी तक जो बात समझाई होगी पार्लियामेंट के बारे में वो आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्वालिफिकेशन क्या है किसी भी व्यक्ति की। ठीक है, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो भैया क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल सी है कि जो भी व्यक्ति आपका भारत का सिटीजन है वो, ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रहा हो वो, ठीक है, और आपका उसकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल, ठीक है, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। 25 साल किसके लिए? लोकसभा के लिए। 30 किसके लिए? राज्यसभा के लिए। 25 किसके लिए? लोकसभा के लिए। ये आपने दिमाग में बैठानी है। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत बेसिक सी है, कोई बहुत ही कमाल का वो नहीं है, फिर वो ओथ वगैरह लेंगे वो आपका हो जाएंगे।
डिस्क्वालीफाई करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसके बारे में आज नहीं बात करें, उसके बारे में करूँगा बात कल। और मेरी कोशिश यही रही कि जो लेक्चर है आपको, ये मैं दूसरे तरीके से रिकॉर्ड आज करने की कोशिश करी है, और मैं थोड़ी देर में चेक करूँगा इसको, अगर वो ठीक से बैठ गया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा। जिसको आवाज़ नहीं आई थी, इसका जहाँ भी रह गया था, जिसका जो भी दिक्कत हुई थी, वो सारी दिक्कत आपको वहाँ पर ख़त्म होकर मिल जाएगी। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिसका जोन सा पार्ट रह गया था वो वहाँ पर देख के उसको पूरा कर लेना, ठीक है? जिसको आवाज़ नहीं आई, कहीं से छूट गया, कुछ भी रह गया, मैंने क्या समझाया वो सब आप वहाँ देख पाओगे। तो मैंने उसके लिए दूसरा तरीका अपनाया है, क्योंकि एप्लीकेशन तो ढंग से वर्क कर नहीं रही है, ठीक है? तो मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी थी, अब देखता हूँ उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको वहाँ पर चढ़वा दूंगा, ठीक है? आप उसे देख लेना। नेक्स्ट जो इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा है, जैसे कि हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें कि डिफेक्शन के तौर पर डिस्क्वालीफाई करते हैं, सैलरी की बात करें, ओथ की बात करें, जो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसकी पावर की बात करें कि उनका क्या क्या काम होता है उसकी बात करें, डिप्यूटी स्पीकर की बात करें, ठीक है, पैनल की बात करें, राज्यसभा के चेयरमैन की बात करें, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या काम करता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी बाकी हैं पार्लियामेंट में, मतलब अभी हमें इससे आगे यही पढ़ना है, ठीक है? सो बस अभी इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच।